अच्छा यार, तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो आज मैं आपके लिए स्टोरी टाइम वीडियो लेके आया हूँ, हम सबकी जिंदगी के दो घटिया साल। तो यार, 8 क्लास तक तो हमें पेंचोलियां पढ़ा के फारिग कर देते हैं, और कॉलेज में हमें केमिस्ट्री, आयनिक बुंड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे होते हैं, जिसका फ़ायदा तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी मुझे बीबीए करनी थी। नहीं मतलब यार, किसी को लॉ करनी होती है, किसी को क्या करना होता है, तो वो उस हिसाब से पढ़ाई करे ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम दबाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, ये बात है 9th क्लास की, हमारे एग्जाम्स जो थे वो नज़दीक आ रहे थे और मेरी सारी प्रिपरेशन थी सिवाय उर्दू, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के। अच्छा, तो सबसे मज़े की बात यह है कि उर्दू ज़बान जो हमें आनी चाहिए, ईजिली आनी चाहिए पेपर के लिए, वो हमें क्यों मुश्किल लगती है? और रीज़न भी उसका सिंपल है कि उन्होंने जो नज़में और गज़लें भरी हुई हैं उसने सारा दिमाग ख़राब किया हुआ है। पता नहीं कौन सी इन्होंने स्टोन एज की शायरियाँ दी हुई होती हैं महबूब के बारे में। कभी महबूब ने हैवी वाला इग्नोर मार दिया, तो कभी महबूब को गुस्सा चढ़ गया, या तो महबूब का दिमाग शॉर्ट हो गया। तो ये वाली पढ़ाई किसी काम की नहीं। और 9th क्लास में मेरा सी ग्रेड आया था, ये क्या हो गया? जबकि लास्ट टाइम मेरा A1 ग्रेड आया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दबा की चीटिंग की थी। और 9th क्लास में फेल होने की दूसरी वजह ये है कि मेरा एक दोस्त था, उसने बोला था टेंशन मत लेना, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो वो चवल इंसान वो पीछे देख ही नहीं रहा था। और फिर क्या यार, फिर पूरा पेपर मुझे तुक्के पे करना पड़ा। बोर्ड के पेपर में सब मोबाइल लाए थे और अलग अलग तरीकों से चीटिंग कर रहे थे। फिर जब मेरा सीग्रेट आया तब मुझे पता पड़ा कि ये चीटिंग करना मजबूरी है हमारी, वरना कोई भी पास नहीं हो सकता यार। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं तो बंदा मोबाइल से चीटिंग इजीली कर लेता है, वरना और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, उनमें से एक ट्रिक मैं आपको चीटिंग की एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले तो जो आपको सवाल जो मुश्किल लगे वो आपको निकाल लेना है, फॉर एग्जांपल कि ये है, फिर आपको सही तरीके से उसको फाड़ लेना है। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब आपको जो सवाल मुश्किल लगे उसको आपको ऐसे कर देना है, और फाड़ने के बाद आप उसको फोल्ड कर लें अच्छी तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है? फिर आप उसको क्या करें, अपने शूज़ में डाल दें, सिंपल। यार मजाक कर रहा था, मतलब चीटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बोर्ड में चीटिंग कर दो ठीक है, क्योंकि वो मजबूरी होती है, उसके बाद आगे जाके मेहनत कर दो, जो भी कर दो मुझे नहीं पता। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो ट्यूशन्स ले रहे होते हैं, अकेडमी ले रहे होते हैं, पढ़ाई का नाटक कर रहे होते हैं, वो बोर्ड में हमसे ज़्यादा चीटिंग कर रहे होते हैं। तो जब अगली बार एग्जाम हुए तो यार क्लास में सबके पास मोबाइल थे, मेरे पास भी मोबाइल था, और इन्विजिलेटर ने भी बोला था कि चीटिंग कर लो लेकिन खामोशी कायम रखना। मगर हमारी क्लास में 2-3 गांडू बैठे हुए थे जो शोर कर रहे थे, और हमें लग रहा था कि इनकी वजह से यार कहीं हमारा पेपर ना छिन जाए। पेपर तो मैं फास्ट कर ही रहा था, लेकिन साथ में टीम भी आ गई, एक और मुसीबत। मेरे पसीने भी छूट रहे थे और मैंने अपना मोबाइल भी साइड पे छुपा लिया था और अपने पेपर पे ध्यान दे रहा था मैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे चीटिंग पे इतना ध्यान दे रहे थे कि उनको पता ही नहीं पड़ा कि टीम भी आ गई और उनसे मोबाइल भी छीन लिया। मोबाइल तो खैर उनको पेपर के बाद मिल गए थे, लेकिन अभी पेपर के दौरान उनकी फड़के चार हो गई थी। तो पिछली बार जिस लड़के ने बोला था कि यार तू टेंशन मत ले, मैं तुझे पेपर करवा दूंगा, वो इस बार उसका मोबाइल छिन गया था और वो बंदा पीछे से आवाज़ें दे रहा था, ओए सुलेमान सुन यार, प्लीज पेपर करवा दे। फिर यार मैंने उस लड़के के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपना चुपचाप मैंने पेपर किया और चला गया, सिंपल। तो यार बस यही थी मेरी एग्जाम की स्टोरी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। पर्पस लेके चले, जज्बा रखे दिल के अंदर, गुलाम नहीं हम इस वक्त के सिकंदर।